All right, friends. Now you just refer your question number 4. Question number 4 and page number 2 from question book and question number 4 and page number 1.4 from solution book. Question number 4, page number 2 from question book, and question number 4, page number 1.4 from solution book. Okay friends, ये भी बहुत अच्छा question है, issue price से related है, आप जरा देखिए, आपका एक एक point clear हो जाएगा. देखो जरा, question number 4, a manufacturer of Surat purchased 3 chemical A, B and C from Bombay. कहां से purchase किया? A, B और C कहां से परचेज किया? From Bombay. A manufacturer of Surat purchased 3 chemical A, B and C from Bombay. The invoice gave the following information. Chemical A परचेज किया है 3000 kg. Chemical A परचेज किया है 3000 kg. केमिकल बी परचेज किया है 5000 केजी और केमिकल सी परचेज किया है 2000 केजी. केमिकल ए परचेज किया है 3000, 5000 एंड 2000 एट द रेट ऑफ 4.2, एट द रेट ऑफ 3.8 एंड एट द रेट ऑफ 4.75. सही है सुनो फ्रेंड. देन देयर इज अ सेल्स टैक्स. अब सेल्स टैक्स आपका किस में जाएगा? पहली बात तो है डायरेक्ट एक्सपेंस. और सेल्स टैक्स मतलब वो किसके ऊपर लगता है? सेल्स वैल्यू. जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर ही तो टैक्स लगेगा. अ टैक्स विच इज पेबल ऑन सेल्स. तो जो हम लोगों ने परचेज किया है उसके ऊपर ही उसने बिल लगाया होगा ना, उसके जो परचेज वैल्यू निकल के आएगी उसके रेशियो में आपका टैक्स चला जाएगा. उसके बाद है रेलवे फ्रेट. ये ज्वाइंट एक्सपेंसेस आपको दे रखा है. रेलवे फ्रेट किस पर जाएगा? इन द रेशियो ऑफ वेट. आपका रेलवे फ्रेट है वो किस रेशियो में जाएगा? इन द रेशियो ऑफ वेट. व्हाट इज द वेट का रेशियो? 3000, 5000 एंड 2000. उससे आपको क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट. अब वो क्या बोल रहा है? इज शॉर्टेज ऑफ 200 केजी इन केमिकल ए, 280 केजी इन केमिकल बी, 100 केजी इन केमिकल सी वॉज नोटिस ड्यू टू द ब्रेकेजेस. आपने खरीदा था 3000 ए, आपने खरीदा था 5000 ऑफ बी और आपने खरीदा था 2000 ऑफ सी. अब आप लेके गए बॉम्बे टू सूरत. आप कहां लेके गए? बॉम्बे टू सूरत. रस्ते में क्या हो गया? 200 केजी यहां गया, ठीक है, देन 280 केजी इसमें से गया एंड 100 केजी इसमें से गया. इट मीन्स आपको क्या बचेगा? 2800. आपको क्या बचेगा? 5000 माइनस 280, 5000 माइनस 280 इज 4720 आपको बचेगा एंड 2000 माइनस 100 आपको 1900 बचेगा. सही है सुनो फ्रेंड. इस शॉर्टेज ऑफ 200 केजी इन केमिकल ए, 280 केजी इन केमिकल बी, 100 केजी इन केमिकल सी वाज नोटिस ड्यू टू द ब्रेकेजेस एट सूरत. द मैन्युफैक्चरर पेड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी 0.10 पर केजी. इसका मतलब जैसे ही आप सूरत में पहुंचेंगे, सूरत का जो चेक नाका होगा वहां पे यू हैव टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एट द रेट ऑफ 0.10. तो जो क्वांटिटी आपके सूरत में ऑक्ट्रॉय नाका के ऊपर पहुंचेगी उस पर यू हैव टू पे 0.10. देन देयर इज ए कुली कार्टेज, राइट. ऑल्सो पेड कार्टेज 22 rupees फॉर ए, देन ए 63.12 फॉर B and 31.8 for C. Calculate the stock rate that you would suggest for pricing issue of chemical assuming a provision 5% towards the further. इसका मतलब 5% जब ये आप सूरत में लेकर रखेंगे स्टोर से, ये आपका स्टोर है और जब आप इश्यू करेंगे उसके बीच में भी देर इज ए लॉस ऑफ 5%.
एक लॉस तो आपका बॉम्बे से सूरत के बीच में हो गया, आपको बचा 2800। अब 2800 को आप लेके आए, स्टोर्स में रखा और स्टोर से इशू करने के बीच में लॉस होगा 2800 इंटू 5%, इट मींस 140। 4720 इंटू 5% इज 236 एंड 1900 इंटू 5% इज 95। बाकी का जो क्वांटिटी बचेगा वो आप इशू कर सकते हो। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल और जो टोटल क्वांटिटी आपको अवेलेबल है इशू के लिए, अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको प्राइस आ जाएगा, इशू प्राइस। आपने खरीदा 3000, 5000, 2000, आप लेके गए बॉम्बे टू सूरत, रस्ते में गया 200, 280, दिस आपको बचा 2800, 4700, 1900, वापस 5% आपको लॉस होगा 140। तो ये आपको बाकी का जो क्वांटिटी बचा वो इशू के लिए। अब आपने मटेरियल पे किया, सेल्स टैक्स सेल्स के रेशो में, फ्रेट उसके रेशो में, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एंड कार्टिंग, ये सब टोटल कॉस्ट हो जाएगा। मटेरियल का कॉस्ट हो जाएगा, परचेस कॉस्ट हो जाएगा, परचेस कॉस्ट डिवाइडेड बाई परचेस प्राइस, ठीक है। अब आप आ जाइए, पहले आप नोट बना लीजिए फ्रेंड्स, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग statement showing issue price. Now issue price equal to total cost, उसके लिए आप प्रिफर नोट नंबर 2 एंड डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर इशू, दिस विल बी योर नोट नंबर 1, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर इशू, आपका आ जाएगा इशू प्राइस। आपका क्या आ जाएगा? इशू प्राइस, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर इशू। सही आंसर ऑफ दिस इज योर टोटल कॉस्ट, इट मींस नोट नंबर 2 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर इशू नोट नंबर 1, ये आपका क्या हो जाएगा? इशू प्राइस, इट मींस केमिकल ए केमिकल बी एंड केमिकल ए आपका आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? टोटल कॉस्ट मींस आपका परचेज वैल्यू मींस परचेज कॉस्ट प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो परचेज करने में जो भी आपको लगे, आपका ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, फ्रेट है, आपका कार्टेज है, वो सब ऐड हो जाएगा। और क्वांटिटी आप बॉम्बे से खरीदा, बॉम्बे से सूरत लेके गए, वहाँ पे लॉस हुआ, बॉम्बे से सूरत लेके गए, वहाँ पे लॉस हुआ, फिर सूरत से जब आप इशू करोगे तो आपको लगता है वापस से लॉस होगा करके। इस तरह का मटेरियल है, सपोज आपने शुगर केन परचेज किया, शुगर केन आप यूपी से परचेज करके लाए बॉम्बे तो रस्ते में सूख गया, फिर जब आप परचेज करके आपने स्टोर में रखा और फिर आप इशू करेंगे तो फिर लॉस होगा करके, तो वो आपका हो गया। सही आसन हो गया, ठीक है। अब आप आ जाइए, दिस इज योर नोट नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग क्वांटिटी अवेलेबल फॉर इशू, statement showing quantity available
for issue. Statement showing quantity available for issue. देखो कौन कौन सा केमिकल है फ्रेंड्स अपने पास. दिस इज योर केमिकल, केमिकल ए, केमिकल बी एंड केमिकल सी. पहला है परचेजेस इन केजी, परचेज इन केजी एंड परचेजेज इन केजी. कितना परचेज किया फ्रेंड्स हम लोगों ने, 3000 केजी ऑफ ए, 5000 केजी ऑफ बी एंड 2000 केजी ऑफ सी. परचेजेज हो गया. देन देर इज ए लॉस इन ट्रांजिट, इसको बोलेंगे. इसका मतलब बॉम्बे, बॉम्बे टू सूरत, बॉम्बे टू सूरत में आपका क्या लॉस हुआ है, 200 केजी ऑफ ए, 200 केजी ऑफ ए, 280 केजी ऑफ बी, 280 केजी ऑफ बी एंड 100 केजी ऑफ सी. ये क्वांटिटी अवेलेबल एट सूरत, सूरत में आपको क्वांटिटी अवेलेबल 3000 माइनस 200 इज 2800, 5000 माइनस 280 इज 4720, 2000 माइनस 100 इज 1900. यस नो फ्रेंड्स. देन फर्दर लॉस होगा आपका, फर्दर लॉस एट द रेट ऑफ 5%. इट मीन्स 2800 इंटू 5%, 4720 इंटू 5% एंड 1900 इंटू 5%. दिस इज quantity available for issue. 2800 into 5% is 140. 2800 less 140 is 2660. 4720 into 5% is 236. 4720 less 236 is 4484. 1900 into 5% is 95. 1900 less 95 is 1805. सही है सुनो फ्रेंड्स. क्या आपने परचेज किया था, आपने परचेज किया 3000 के जी ऑफ ए, आपने परचेज किया 5000 ऑफ बी, 2000 ऑफ सी. उसमें से आपका लॉस इन ट्रांजिट मीन्स बॉम्बे में आपका कितना लॉस हो गया, 200, 280 एंड 100. इट मीन्स क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सूरत इज दिस. अब इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्या पे करना पड़ेगा, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. यहाँ पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करना पड़ेगा. ऑक्ट्रॉय सेंटर पे आपकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, ऑक्टर सेंटर पे 2800 ये एंड 9, इसके ऊपर आपको ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करना पड़ेगा. देन देयर इज ए फर्दर लॉस, फर्दर लॉस ऑफ 5% ये आ गया. एंड दिस इज द क्वांटिटी अवेलेबल फॉर इश्यू, दिस इज द क्वांटिटी अवेलेबल फॉर इश्यू. सही है सुनो फ्रेंड्स. ये क्वांटिटी आपका कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ये क्वांटिटी आपका अवेलेबल हो जाएगा फॉर इश्यू. इट मीन्स व्हाट इज द क्वांटिटी अवेलेबल, 2660. व्हाट इज द क्वांटिटी अवेलेबल, 2660, 4484 एंड 1805. सही है सुनो फ्रेंड्स. ये क्वांटिटी आपका अवेलेबल है 2660 एंड 4484 एंड 1805. तो यहाँ पे आप ले लीजिए इसको 2660 आपका नोट नंबर टू में,
2660, फिर आपका अवेलेबल है 4484, फिर आपका अवेलेबल है 1805, ये क्वांटिटी आपका अवेलेबल है फॉर इशू 2660, 4484, 1805, ये आपका क्या है, ये आपका क्वांटिटी अवेलेबल है फॉर इशू, ये आपका क्वांटिटी क्या है फ्रेंड्स, फॉर अवेलेबल फॉर इशू। अब इसका अपन क्या निकाल लेंगे, इसका अपन निकाल लेंगे कॉस्ट, इसका अपन क्या निकाल लेंगे, इसका अपन निकाल लेंगे कॉस्ट। तो अब आप आ जाइए, दिस इज योर स्टेप नंबर टू, इट मीन्स योर नोट नंबर टू इज ए परचेज कॉस्ट, दिस इज योर नोट नंबर टू, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, इट मीन स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। केमिकल ए, बी एंड केमिकल सी, सही है सर। फर्स्ट दीजिए परचेज वैल्यू, ऑल फिगर से रुपीस, व्हाट इज द परचेज वैल्यू इज 12,600, 19,000, 9,500, then add direct expenses, direct expenses में सबसे पहले आपका आएगा sales tax है आपका in the ratio of purchase, it means 12,600:19,000:9,500, ओके, आपका सेल्स टैक्स जाएगा इन द रेशियो ऑफ 12,600, 19,000 and 9,500, से यस ऑन ऑफ इट, आपका कितना है 2,055 ना, इट मीन्स अब अगर आप देखेंगे तो परचेज वैल्यू है 12,600 प्लस 19,000 प्लस 9,500 41,100, so 2,055 divided by 41,100, it means 2,055, ये जो आपका sales tax का value है, 2,055, ये आपका जो 2,055 है, इसको you allocate in the ratio of this value, okay, so 12,600 plus 9,500 plus 19,000 आपकी परचेज वैल्यू है 41,100, so 2,055 divided by 41,100 into अगर 100 आप करोगे तो 5% ये आ रहा है, okay, तो 5% of 12,600 का 5% is 630, 19,000 का 5% is 950, 9,500 का 5% is 475, ये आपका क्या आ गया सेल्स टैक्स। देन यू गो टू रेलवे फ्रेट, रेलवे फ्रेट आपको दे रखा है फ्रेंड्स 1000 किस रेशो में जाएगा, जो क्वांटिटी आपने खरीदा है, इट मींस ए का क्वांटिटी है 3000 kg, देन बी का क्वांटिटी है 5000 kg और सी का क्वांटिटी है 2000 kg,
it means 300, it means 500, or it means 200. ये आपका क्या हो जाएगा रेलवे का फ्रेट, ये आपका क्या हो जाएगा ओनली रेलवे का फ्रेट, रेलवे फ्रेट. A shortage of 200 kg in chemical A, 280 kg in this. At Surat, the manufacturer paid octroi duty at the rate of this. It means this is your octroi duty. मैंने आपको क्या बताया था? Octroi किस पे लगेगा? जो quantity Surat में available है. 2800 4720 2800 then 4720 and 1900 4720 and 1900 and 0.10 0.10 0.10 280 472 190. Yes or no? Then there is a cartage cost. Cartage cost. What is the cartage cost? 22 rupees 63.12 and 31.8. This will be your total cost. Total cost 12,600 12,600 630 300 280 22 13,000 13,832. Then 19,950 500 472 20,000 20,000 Say yes, sir. All right, friends. Then you take 19,000 B के लिए 19,000 प्लस 950 प्लस 500 प्लस 472 प्लस 63.12 20,985.12 then 9500 475 200 190 and 31.8 10,396.96.8 Say yes or no, friends. ये आपका क्या हो जाएगा? This is your purchase value. This is your sales tax, tax which is payable on this. This is your railway freight, railway freight. Then you add octroi duty. This is your octroi duty. Then cartage. Okay, and this will be your total cost. Say yes. This will be your total cost. तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टेटमेंट showing टोटल कॉस्ट. अब ये टोटल कॉस्ट को आप ले आइए 13,832. Say yes or no, friends. 13,832. This will be 13,832. 13,832. Then 20,985.12 and 10,396.8 that means 13,832 divided by 2660 is 5.2 20
2985.12 divided by 4484 is 4.68. This is per kg. इश्यू प्राइस है आपका पर केजी, पर केजी, ओके. एंड देन 10396.8 डिवाइडेड बाय 1805 इज 5.76. इट मीन 4.68 एंड 5.76. This will be your, ये आपका हो जाएगा. इट मीन्स हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, क्वांटिटी परचेज किया, परचेज किया बॉम्बे से. दिस इज द परचेज फ्रॉम बॉम्बे. देन बॉम्बे से सूरत लेके गए, देन देयर इज ए लॉस. आपका क्या बचा, क्वांटिटी अवेलेबल एट सूरत, उसके ऊपर वापस से फर्दर लॉस. दिस इज द क्वांटिटी अवेलेबल फॉर इशू. देन जो भी परचेज वैल्यू है उसके बाद सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स किस रेशियो में जाएगा, इन द रेशियो ऑफ परचेज वैल्यू. देन फ्रेट, फ्रेट इन द रेशियो ऑफ आपका वेट, जो क्वांटिटी खरीदा है. ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, जो क्वांटिटी आपका सूरत में अवेलेबल है उसके ऊपर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. एंड देन फिर कार्टेज आपका लगेगा, और ये आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट. सही है सर. सो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय योर क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, एंड ये आपका हो जाएगा इश्यू प्राइस. तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ कि हमको अगर इश्यू प्राइस निकालना है, अगर हमको इश्यू प्राइस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे. सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर होना. बोलो. ऑलराइट, ये आपका हो गया इश्यू प्राइस. क्लियर होगा, ओके. अब आपका आता है फ्रेंड्स, ये तो आपका हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेस, परचेस कॉस्ट, और उसको कैसे इश्यू प्राइस से निकालेंगे कि भाई जो भी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है इश्यू करने के लिए, और हमारे पास कितना वैल्यू है, परचेस का वैल्यू कितना है, और हमारे पास क्वांटिटी कितना अवेलेबल है, उससे हम लोग इसको निकाल लेंगे. अब फ्रेंड्स आपका आता है एट व्हाट क्वांटिटी वी हैव टू परचेस. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट इज ए क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज मिनिमम. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, वो मैं आपको करवाता हूँ. ओके, आप इतना रिवाइज करिए फिर मैं आपको करवाता हूँ.